सो हेलो नमस्कार, तो बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे कुंद्रा टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम काइन मास्टर से वीडियो एडिट करके इस प्रकार आपको दिखाने वाला हूं। सो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि आपके लिए हम इसी तरह यूजफुल वीडियो लेकर आते रहें। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों आप अपने मोबाइल के काइन मास्टर ऐप को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद प्लस वाला आइकन पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद 16.9 पर क्लिक कर दीजिए। सो उसके बाद आप मीडिया पर क्लिक करके एक बैकग्राउंड अपना कोई ले सकते हैं। सो चलिए यहाँ से हम एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर ले रहे हैं, वाइट बैकग्राउंड लीजिएगा तो और भी बेहतर अच्छा होगा। अगर आप कलर करना चाहते हैं तो कलर यहाँ से कर सकते हैं आप। उसके बाद आपको लेयर पर क्लिक करके यहाँ से कोई एक फ़ोटो को ले लेना है। सो चलिए हम एक यहाँ से फ़ोटो ले ले रहे हैं। उसके बाद आपको फ़ोटो को अपना साइज जितना सेट करना चाहते हैं सेट कर लीजिए। फ़ोटो को गोला में क्रैप कर दीजिए। यहाँ से अनेकों अनेक प्रकार का कट दिया हुआ है, जिस प्रकार आप कट करना चाहते हैं ऐसे कट कर लिए। सो चलिए हम ऐसे गोला में कट कर दे रहे हैं। गोला में कट करने के बाद इसे सेट कर लीजिए आप कितना में इसे रखना चाहते हैं, उसके बाद टिक कर दीजिए। इसको जिधर आप सेट करना चाहते हैं उधर इसे सेट कर लीजिए। उसके बाद फिर से आपको मीडिया पे क्लिक करके दिल वाले पे क्लिक कर देना है। दिल वाले पे क्लिक करके आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। सो दोस्तों अगर आपके काइंड मास्टर में ऐसा नहीं हो रहा है तो इसके पहले हमने एक वीडियो बना दिया है। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। सो एक गोला आर का यहाँ पर सेट कर लीजिए। सो इसे जितना मेरा आप रखना चाहते हैं वहाँ पे ये सेट कर लीजिए ताकि प्रोफेशनल एकदम रेडी तैयार हो। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे प्ले करने के बाद कैसा शो कर रहा है। फिर से आपको मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से लाइट लगा सकते हैं, जो यहाँ से चाहें वो लाइट यहाँ से अपना लगा सकते हैं। सो चलिए हम एक लाइट को यहाँ पर सेलेक्ट कर ले रहे हैं। लाइट को सेलेक्ट करने के बाद इसे अपना जितना साइज में इसे सेट करना चाहते हैं सो उतना में इसे सेट कर लीजिए। सो चलिए हम इसे ऐसे देख सकते हैं, लाइट को हमने एक लाइट को यहाँ से हमने ले लिया। उसके बाद इसे जिस प्रकार हम सेट करना चाहते हैं उस प्रकार यहाँ से हम चाहें तो सेट कर सकते हैं। सो दोस्तों हमने दो थोड़ा लाइट ले लिया। उसके बाद चलिए दो और लाइट इस ले ले रहे हैं। इसको आपको पूरा फुल में कर देना है ताकि आपका शुरू से लेकर लास्ट ले वीडियो प्ले हो तब तक लाइट जलता रहे। सो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमने यहाँ तो फटाफट हमने यहाँ पे फटाफट सेट कर लिया। सो चलिए इसे हम आपको प्ले करके दिखा रहे हैं जो कैसा प्ले होता है। सो दोस्तों इसमें अगर आप चाहें गाना लगाने के लिए तो आप यहाँ से म्यूजिक पे क्लिक करके कोई भी यहाँ से गाना लगा सकते हैं। हम गाना इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि जैसे ही हम गाना लगाएंगे हमारे चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। बैकग्राउंड पर क्लिक करके इसे ऑन कर दीजिएगा तो पूरा लाइटिंग ब्लैक हो जाएगा तो आपका और भी स्टैंडर्ड लगेगा। सो आप गाना लगाकर अपने दोस्त के पास या स्टेटस में लगा सकते हैं। दोस्तों चलिए हम इसे फटाफट कुछ सेटिंग्स में कर लेने हैं ताकि और भी स्टैंडर्ड हो सके। सो आप देख सकते हैं प्ले करने के बाद यहाँ पे कैसा इंटरफेस शो कर रहा है। सो दोस्तों आप लेयर पे क्लिक करके यहाँ से अनेकों अनेक प्रकार जो आग जलता हुआ है यहाँ पर सेट कर सकते हैं। सो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके लिए हम इसी तरह यूजफुल वीडियो लेकर आते रहें। सो चलिए बिना फिर मिलते हैं नेक्स्ट। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।